नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के मौके पर एक सरस काव्य गोष्ठी का आयोजन शनिवार को प्रगति प्रवास संस्था के बैनर तले प्रसिद्ध कवियत्री आशा सिंह की कोलघाट स्थित आवास पर किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार मौजूद रहे। सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम के प्रथम सत्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुंशी प्रेमचंद के वक्तव्य एवं कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार ने कहा कि प्रेमचंद जनमानस के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में शोषित वर्ग, ग्राम्य जीवन एवं नगरीय जीवन की जटिलताओं का वर्णन था। वे एक कालजयी रचनाकार थे। सर, अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग। आज क्या कार्यक्रम है? आज प्रगति प्रवास संस्थान द्वारा यहाँ पर साहित्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिवस पर। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिनके बारे में ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा लिखा तबका या शहरी तबका या उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के, हर व्यक्ति के लिए उनका जीवन एक उपयोगी और उनका जो साहित्य है इतना उपयोगी है। जैसे उनके साहित्य में विशेष तौर से मैं गबन का उल्लेख करूं, उपन्यास उनका जो गबन है उसके माध्यम से उन्होंने समाज के हर वर्ग को छूने का प्रयास किया। रतन के माध्यम से एक मॉडर्न महिला को प्रस्तुत किया गया है, जालपा के माध्यम से एक गहना प्रेमी महिला को प्रस्तुत किया गया है, या जोहरा के माध्यम से एक ऐसी महिला को वो वेश्या है, लेकिन उसके माध्यम से यह बताया गया कि एक वेश्या या समाज की घृणित महिला भी राष्ट्र प्रेमी हो सकती है, राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे सकती है। इसलिए उनके माध्यम से, प्रेमचंद के माध्यम से हम भारतीय नारी वर्ग को ये कहना चाहते हैं कि इसमें हीन भावना से वो कदापि ग्रसित न हो। परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आदमी को कुछ ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करती हैं जो नहीं चाहती है। महिला, विशेष तौर से महिला, कोई महिला, कोई बेटी भारत की वेश्या नहीं बनना चाहती, परिस्थितियाँ उसे वेश्या बनाती हैं। मैं पुरुष समाज को भी उसमें इन्वॉल्व करता हूँ कि पुरुष समाज भी इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि आज भारत की महिलाएं विश्व के हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अभी ओलंपिक में ही देखिए, पहला पदक भारत की नारी ने दिलवाया। गबन के माध्यम से वो बहुत चिंता व्यक्त करते थे, भारतीय नारी के एक कृत्य से वो बहुत नाराज थे। वो कहते थे वो गहना प्रेमी इतनी हैं, चाहे वो उच्च वर्ग की हो चाहे निम्न वर्ग की हो, गहना प्रेमी इतनी हैं कि कहीं ना कहीं उससे समाज में तूफान आता है। उस गहने से बेहतर, उस गहने के माध्यम, गहना न बनवा करके अगर अपने बच्चों को पठन पाठन में, बच्चे को ज्ञान में, अगर ज्ञान के लिए अपना सारा सर्वस्व न्योछावर करें तो देश का, समाज का और राष्ट्र का विकास। उनका ईदगाह है, उनका दो बैलों की जोड़ी है, क्या 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 गिनाऊं। सचमुच यह साहित्य के सिरमौर थे। इनकी कालजयी ऐसी थी, कालजयी रचनाएं 300-300